जो लोग जॉब कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, एक टाइम के बाद उनको लगता है नहीं यार बहुत टाइम जॉब कर ली, अब हमको अपना कुछ बिजनेस करना है। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अभी असमंजस में हैं, कंफ्यूज्ड हैं, क्लैरिटी नहीं है कि क्या करें, कैसे स्टार्ट करें। तो सबसे पहले एक तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहता है कि आप जो बिज़नेस स्टार्ट करें वो दो चीज़ का करें। एक वो चीज़ जो आपको पहले से आती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, कंटेंट राइटर हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, वेब डेवलपर हैं, बेसिकली सर्विसेज वाले जो बिजनेसेस हैं बहुत सारे, तो आप सर्विस क्लास इंडस्ट्री में जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो टेक्निकल सर्विसेज हो या दूसरे BPO सर्विस हो, या बहुत टाइप की सर्विसेज होती है जिस टाइप से हम लोग जिसमें जॉब करते थे। इंडिया जो है इट्स अ मेजर सर्विस इकॉनमी, ज़्यादातर जो जॉब्स हमारी सर्विसेज हैं। तो अभी ये वीडियो उनके लिए टारगेटेड करके बना रहा हूँ मैं। तो अगर आप सर्विसेज में हैं, तो जो भी आपने कुछ सालों में सीखा है, तो अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप उसी चीज़ का बिज़नेस स्टार्ट करें, बिकॉज़ वो आता है। क्योंकि आपने अगर एकदम से स्विच करके कुछ ऐसी चीज़ में बिज़नेस स्टार्ट किया जिसकी नॉलेज नहीं है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको बिज़नेस फेल हो जाए, बिकॉज बहुत सारे टाइम तो आपको उस बिज़नेस को सीखने में लग जाएगा, और जिसमें आपको बहुत सारा लॉस भी हो सकता है। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि अपना जो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, इतना बड़ा रिस्क ना लें, और वो चीज़ से स्टार्ट करें जो ऑलरेडी आपको आती है। दूसरा रहता है कि किसी चीज़ को लेके आप बहुत पैशनेट हो, आपको पता है कि ठीक है यार, एक मेरा प्रोफेशन है जो मुझे इस जगह ले आया। जैसे हम लोग जब हम छोटे थे, हम लोग करना कुछ चाहते थे, लेकिन आज हम जो जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं, हम कर कुछ रहे हैं, लेकिन इंटरनल एक डिज़ायर रहती है कि नहीं यार मुझे बड़े ये करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप छोटे थे, आप सोचते थे कि बड़ा होकर क्रिकेटर बनूंगा, कोई कहता था कि मुझे अपना ये काम करना है, कुछ कहता है, मतलब हर एक के अंदर एक डिज़ायर था। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे अंदर डिज़ायर था कि मैं आर्मी में जाऊंगा, एयरफोर्स में जाऊंगा, लेकिन अब इस उम्र में आके मैं एयरफोर्स में तो नहीं जा सकता, लेकिन मैं जहाज़ भी नहीं उड़ा सकता इस वक्त। मुझे बोले कि आओ जी शर्मा जी फाइटर पायलट बन जाओ, पॉसिबल नहीं है। लेकिन देर आर इन सब सबको अपना अपना पता होता है कि यार मेरा ये एक इंटरनल बर्निंग डिज़ायर है, ये मैं करना चाहता हूँ, जो धीरे धीरे आपको जैसे जैसे आप उम्र में आगे बढ़ते हैं आपको रियलाइज़ होता है कि यार ये मुझे करने में मज़ा आता है। तो आप उस चीज़ का जो आपका पैशन है, उस चीज़ को अगर आप बिज़नेस में कन्वर्ट करें, वो सक्सेस रेट आपके बढ़ जाते हैं। क्योंकि आपको वो जो बिज़नेस है ना, वो आपको बिज़नेस लगेगा ही ना, आपको लगेगा कि मैं एक खेल खेल में कुछ बस मज़े कर रहा हूँ, और मज़े करते करते उस मज़े से कब आपका पैसा आना शुरू हो जाए आपको पता भी नहीं लगेगा। तो यही मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आपको जो चीज़ आती है पहले से, उसमें आप कूदिए, या आपका जो पैशन है, जो एक बर्निंग डिज़ायर है कि मुझे ये करना है यार लाइफ में आगे जाके, तो उस चीज़ में आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपके सक्सेस के पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, पैशन एंड प्रोफेशन जो आप कर रहे हैं उन्हीं में से कुछ चूज़ करिए। तीसरा, कोई नई चीज़ एकदम से स्टार्ट मत करिए अनलेस आपकी एक चीज़ परफेक्ट हो जाए। जनरली मैंने देखा बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो चार पांच जगह पांव फंसा लेते हैं और वो फिर कुछ भी नहीं कर पाते। वो एक पुरानी हिंदी में कहावत है ना कि आप दो नाव में पैर ना रखिए तो बेटर है आप एक ही चीज़ को पकड़ के चलिए। और यहाँ तो मैंने देखा बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में ही वो कई सारे नाव में पैर रख लेते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी सक्सेसफुल नहीं होता, दे माइट बी सम परसेंटेज ऑफ पीपल हु माइट गेट सक्सेसफुल इन मल्टीपल थिंग्स साइमल्टेनियसली। कुछ कुछ होते हैं इस टाइप से गिफ्टेड लोग जो 5, 6, 7, 10 काम इकट्ठे करेंगे, 10 के 10 में सक्सेसफुल हो जाएंगे, बट जनरली कम होता है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप स्टार्टिंग एक से करिए, फ्यूचर में जाके जब आपको लगे कि एक आपका बिजनेस रनिंग मोड में आ गया है और वो एक ऑटो पायलट में चला गया है, उसकी एक टीम बन चुकी है और वो टीम ऑटोमेटिकली, अगर आप नहीं भी होते उस टीम में, वो टीम काम करती रहती है और बिज़नेस आपका साइड बाय साइड चलता रहता है, तब आपको लगता है कि हाँ यार मेरा बिज़नेस वो अब चल रहा है, तो अब मुझे दूसरी चीज़ में एक्सप्लोर करना शुरू कर देना चाहिए, तो उस टाइम पर आप कर सकते हो। लेकिन आपका अभी एक भी नहीं चल रहा और सोच रहे ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये तो चलो थोड़ा मोटिवेशनल चीज़ होता हो जाती है। अब कुछ चीज़ें और भी हैं जो मैंने सोचा, जो टेक्निकल चीज़ें हैं जो लोग अक्सर पूछते हैं, और वो अननोइंगली वो उन चीज़ों में घुस भी जाते हैं। फॉर एग्जांपल जब बिज़नेस स्टार्ट करना होता है, उनको पता नहीं होता कहाँ से स्टार्ट करें, खासकर आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि जो पेपर वर्क होता है, कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ रजिस्टर करें, कैसे करें, किसके पास जाएँ। तो वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं लोगों को बताता हूँ कि अगर आपने अभी स्टार्ट ही किया है बिज़नेस, और फॉर एग्ज़ाम्पल आप
प्लान नहीं कर रहे हो कि आपने बहुत बड़ा एकदम से एक्सपेंशन करना है, अगर आपका ऑलरेडी प्लान है एक्सपेंशन का, इफ़ यू आर इन टू दैट लीग ऑब्वियसली यू कैन स्टार्ट बिग, आपके पास जी फंडिंग भी आ गई और आपके पास अपना भी करोड़ों रुपया पड़ा है, आप लगा के आप यू कैन स्टार्ट बिग, डेफिनेटली डू इट। बट अगर आपको लगता है कि आप अभी यू वॉन्ट टू स्टार्ट स्मॉल, तो उस केस में जो मेरा रिकमेंडेशन रहता है कि जैसे सबसे पहले मैंने देखा कि कुछ लोग वो पेपर वर्क में फंस जाते हैं कि जी मैं फटाफट जाके पहले मैं कंपनी बनाऊँ प्राइवेट लिमिटेड LLP और उसमें इतना पैसा लगा देना, उसमें इतना टाइम इन्वेस्ट कर देना बिकॉज ऑफ उसमें रिक्वायरमेंट्स वगैरह तामझाम इतना कॉम्प्लेक्स होता है। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि अगर आप स्टार्ट करते हैं स्मॉल तो आपको इन सब की अभी ज़रूरत नहीं है, आप एकदम से प्राइवेट लिमिटेड LLP वगैरह में मत जाइए क्योंकि उसमें बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस होती है स्टार्ट में, तो और आपको रिक्वायरमेंट भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट उसमें अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक मेरा दोस्त है, उसने अपना वेब डेवलपमेंट का बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसने कहा कि योगेश चल मैं काम करता हूँ, मुझे कोई हेल्प कर दे, मेरा CA बता दे जो मुझे इसकी मेरी प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म कर दे, या कोई कंपनी सेक्रेटरी है उसके कंप्लायंस वगैरह जो भी है, उसने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी और उसने कहा कि लगभग इसमें करीब 1.5 लाख रुपये खर्चा आएगा। मैंने कहा भाई ज़रूरत नहीं है 1.5 लाख रुपये खर्च करने की सिर्फ पेपर वर्क में, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी रहनी चाहिए आपने बिज़नेस लेके आना है, और बिज़नेस लाने के लिए आपको एकदम से प्राइवेट लिमिटेड नहीं चाहिए होता है, आपको जो बिलिंग जब करनी होगी तब जाके आपको एक GST नंबर वगैरह चाहिए होगा, लेकिन तब तक तो वो भी नहीं चाहिए। तो आप अपनी कंपनी का एक नाम डिसाइड कर लीजिए, कंपनी क्या मैं उसको अभी कंपनी को थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा, कंपनी नहीं बोलेंगे, आप अपने बिजनेस का एक नाम डिसाइड कर लीजिए, ABC टेक्नोलॉजीज, ABC वेब वर्क्स, कुछ भी जो भी आपने डिसाइड कर दिया, ठीक है। हाँ, और एक बार गूगल पे सर्च कर लेना कि उस नाम से मिलती जुलती कोई और बिजनेस तो नहीं है, क्योंकि बाद में फिर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, तो यूनिक ट्राई टू फॉर्म अ यूनिक नेम। अब क्या होता है कि आपने नेम डिसाइड कर लिया, आप अपना उस नेम के ऊपर बेसिस करके आप अपनी एक अच्छी सी वेबसाइट बनाइए, और वेबसाइट भी बनने में आपको बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं आनी चाहिए, आजकल तो बने बनाए टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, थोड़ा सा रिसर्च करें, अगर आपके पास फंडिंग कम है तो आप खुद ही वेबसाइट बना सकते हैं, नहीं तो आप किसी वेब डेवलपर की हेल्प कर ले लीजिए बने बनाए टेम्पलेट्स को यूज़ करके। आपने शुरू में बिजनेस के स्टार्टिंग में बहुत कॉम्प्लिकेटेड वेबसाइट नहीं बनानी है, आपको एक वेब प्रेजेंस दिखानी है और उसमें 5-6 हज़ार मैक्सिमम 10 हज़ार में आपकी बढ़िया सी वेबसाइट बन जाएगी, जिसमें होस्टिंग भी मिल जाएगी, जिसमें आपको कंपनी का नेम भी मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने कंपनी डिसाइड करी है ABC XYZ, ठीक है, तो आपको एक उससे बेनिफिट हो जाता है कि आप अपना ऑफिशियल ईमेल वगैरह भी उसमें बना सकते हैं, वेबसाइट भी बन गई ABCXYZ.com और आप उसमें अपना नाम डिसाइड कर लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर मेरी कंपनी होती ABCXYZ.com तो मैं उसका नाम अपना ईमेल जो डिसाइड करता yogesh@ABCXYZ.com या yogesh.sharma@ABCXYZ.com, तो उससे क्या होता है थोड़ा प्रोफेशनलिज्म आ जाता है। मैंने देखा बहुत सारे लोग अपना पर्सनल ईमेल यूज़ भी करते रहते हैं अपने बिजनेस में, तो उससे क्या होता है ना कि दूसरी तरफ जो आप अपने क्लाइंट के पास अपना मेल भेज रहे हैं बिजनेस का, उससे कॉन्फिडेंस एक ट्रस्ट नहीं आता, तो ट्रस्ट एक ऑफिशियल ईमेल से एक ट्रस्ट आता है। अच्छा, कोशिश करिए आप जो अपना वेबसाइट बनाए उसमें एक एड्रेस भी हो। मैंने बहुत सारे आजकल देखा जो नए नए बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, वो अपना एड्रेस ही नहीं डालते। फॉर एग्जाम्पल आप कोई कंपनी मुझे पैसा देगी काम करने का और वो देखेगी इसका कोई एड्रेस ही नहीं है, फिजिकल एड्रेस की बात कर रहा हूँ, तो वो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि बंदा ये कहाँ से ऑपरेट कर रहा है, ये ऑथेंटिक है नहीं है। तो 50 चीज़ें लोग सोचते हैं, अगर मैं भी किसी को पैसा दूंगा तो मैं भी पहले उसको देखूंगा, रिसर्च करूंगा कि भैया इस बंदे को पैसा दूँ नहीं दूँ, ये बंदा कौन है, कहाँ है। अब सिर्फ जीमेल से ऑपरेट करने वाले बंदों को मैं कभी पैसे नहीं देता, जनरली मैंने देखा है, मेरा और भी मैंने देखा है मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो नहीं करते। तो आपको एक रिकमेंडेशन रहेगा कि आपको एक वेबसाइट बनानी है और अपना एक ऑफिशियल एक ईमेल रहेगा। प्लीज़ डोंट यूज़ दो ईमेल्स जो आपने स्कूल कॉलेज टाइम में बनाए थे। मैंने देखा कुछ लोग अपने अभी भी पुराने अजीब अजीब से मेल यूज़ करते हैं, कुछ भी इमेजिनरी मेल मैंने देखा लोगों ने डाले हुए हैं, loverboy123@gmail.com, इस टाइप के लोग अभी भी मेल्स जो लिखते हैं अपने रिक्रूटर्स को जो एप्लीकेशन डालते हैं इस ईमेल से डालते हैं, तो एक प्रोफेशनलिज्म नहीं आता। तो एक अच्छा सा डिसेंट सा अगर आप ऑफिशियल काम कर रहे हैं बिजनेस कर रहे हैं तो प्लीज़ डोंट यूज़ जीमेल याहू एंड ये वाले मेल्स, अपना एक ऑफिशियल मेल बनाइएगा। कुछ लोग बहुत उलझ जाते हैं शुरू में ही, बहुत
टाइम लगाते हैं अपनी वेबसाइट बनाने में, और फिर ब्रोशर्स प्रिंट करवाएंगे अपने क्या बोलते हैं वो जो बिजनेस कार्ड्स विजिटिंग कार्ड्स जिनको हम बोलते हैं उसमें इतना टाइम लगाएंगे, कंपनी का लोगो बनाएंगे, लेटर हेड्स बनवाएंगे, उन सब चीज़ों की ज़रूरत है ही नहीं आजकल। एवरीथिंग इज़ बिकमिंग डिजिटल आजकल। सी विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड और ब्रोशर्स, ये सब चीज़ें कब लोग प्रिंट करवाते थे पहले, सर्विसेज बिजनेस की बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट्स में तो अभी भी लोग करते हैं, जब आपको फिजिकली विजिट करना होता था लोगों को विजिट करना है, जहाँ पे आपको आके डेमो देना है, तो लोगों के सामने आप ब्रोशर रखोगे और अपने को डॉक्यूमेंट दिखाओगे प्रिंटेड, और फिर उनको कुछ प्रपोजल भेजोगे तो आप वो अपने लेटर हेड पे प्रिंट करके भेजोगे, इनवॉइस भेजोगे तो उसी पे प्रिंट करके भेजोगे, जब मीटिंग में जाओगे आप तो अपना विजिटिंग कार्ड उनको देते। आजकल के टाइम में ये चीज़ें ना बहुत ऑब्सोलीट हो गई हैं, लोग इन चीज़ों को देखते भी नहीं हैं। मुझे मेरा अपना बिजनेस स्टार्ट किए हुए कई साल हो गए हैं, और टू बी ऑनेस्ट आज तक मैंने शायद मैंने अपना 100 कार्ड्स प्रिंट करवाए थे, शायद 200 करवाए होंगे, वो अभी भी कहीं ना कहीं पड़े हुए हैं मेरे कुछ वॉलेट में पड़े हुए मेरे कुछ विजिटिंग कार्ड्स, और थोड़े से इधर उधर मेरे ड्रॉर्स वगैरह में पड़े होंगे विजिटिंग कार्ड, लेकिन मुझे ज़रूरत पड़ती नहीं है विजिटिंग कार्ड्स की, क्योंकि हमारा आजकल इतना विजिटिंग होता ही नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। खासकर कोविड के बाद से तो हम इतना सीख गए कि हमारी मीटिंग्स भी नहीं होती, अब तो क्लाइंट के साथ हमारी मीटिंग एवरीथिंग हैपेंस ऑन जूम कॉल और गूगल मीट और दूसरे जो टीम माइक्रोसॉफ्ट टीम्स वगैरह हैं। हम लोग क्या करते हैं, मेल भेजते हैं, मेल में अपना नीचे सिग्नेचर होता है, उसमें हमारा फ़ोन नंबर रहेगा, ईमेल रहेगा, और हमारी वेबसाइट है जहाँ पे जब मैं अपना मेल भेजता हूँ किसी क्लाइंट को, उसका जो मेरा सिग्नेचर रहता है उसमें मेरा नाम योगेश शर्मा, मेरा फ़ोन नंबर, मेरा ईमेल, और ऑब्वियसली मेरी वेबसाइट का लिंक भी होता है, अगर किसी ने मैं वेबसाइट पर लिंक करना क्लिक करना तो ऑटोमेटिकली वेन दे गो मेरी वेबसाइट खुल जाती है, उसमें और डिटेल्स मिल जाती हैं, उसमें और फ़ोन नंबर्स हैं, ईमेल्स हैं, मेरा फिज़िकल एड्रेस है, गूगल लोकेशन भी डाली हुई है मैंने अपने कंपनी पेज पे। तो उससे क्या होता है कि बंदों को लगता है, कंपनीज को, क्लाइंट्स को लगता है कि हाँ थोड़ा ऑथेंटिक है, थोड़ा रिलायबल है, इसके साथ काम किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपको मेंटेन करनी है, विजिटिंग कार्ड, लोगो डिज़ाइनिंग। कुछ लोग मैंने देखा इतना पैसा लगा देते हैं शुरू में, आपका बिजनेस अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, आपको कुछ जानता भी नहीं, और आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना मनी, चाहे मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा ही है, चाहे 2 रुपए भी है, 10 रुपए भी, आजकल खैर लोगों वाले भी इतने नहीं लेते, लेकिन जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि आप इतने पैसे भी क्यों लगा रहे हो जिन चीज़ों के ऊपर जो चीज़ें अभी मायने ही नहीं रखती। आप लोगों वगैरह तब बनाइएगा, आप कॉपीराइट लोगो तब करवाइएगा जब आपका बिजनेस लगे कि हाँ भाई इतने बिलियन डॉलर्स का हो गया है, और अब आप अपने बिजनेस को जो है इतना फैल गया और आप बिजनेस आपका कोई कॉपी कर सकता है, तो आप एक बार को सोच सकते हो कि हाँ ठीक है अब मुझे अपना कॉपीराइट ले लेना चाहिए, ट्रेडमार्क ले लेना चाहिए, और लोगों को रजिस्टर करा लेना चाहिए, और लोगों डिज़ाइनर से करवा लेना चाहिए। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन थिंक ऑफ ऑल दोज थिंग्स, बट एट द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस इतना टाइम मत लगाइए इन सब चीज़ों में। आप अपना बिजनेस का जो टाइम है फोकस करिए बिजनेस लाने में, ठीक है ना। और जैसा मैंने कहा कि जब तक आप बिलिंग नहीं करते, पहली बिलिंग, आपकी बिलिंग से पहले आपको कोई कंपनी का GST वगैरह भी नहीं मांगेगा, कोई कुछ नहीं मांगेगा, ठीक है। तो बेसिकली GST भी तब जब आपने नाम डिसाइड कर लिया, वेबसाइट बना ली, उसके बाद GST लेना इज़ नॉट अ बिग डील। और मेरा जो रिकमेंडेशन रहता है, जो मैं कहता हूँ अपने दोस्तों को कि आप अभी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ना, अभी बहुत आप करोड़ों में तो नहीं पहुंच रहे हो, आपने कहीं से फंडिंग भी नहीं लेनी है, आप अपना बूटस्ट्रैप कर रहे हो अपने ही पैसे से, आप बिजनेस यू स्टार्टिंग अ स्मॉल सर्विसेज बिजनेस, तो उस केस में भी आपको प्राइवेट लिमिट कंपनी नहीं बनाने की ज़रूरत है, आपको LLP बनाने की ज़रूरत नहीं, आप अपना प्रोप्राइटरशिप से स्टार्ट कर लीजिए। अब जैसे मैंने आपको नाम लिया ABCXYZ, मैं जो बता रहा था एक एग्जांपल, तो कंपनी का नाम ले लीजिए ABCXYZ Technologies.com, या तो चलो तो वेबसाइट का नाम हो गया, लेकिन बिजनेस का नाम ABCXYZ Technologies, दैट्स इट। उसके आगे प्राइवेट लिमिटेड, LLP, इन सब चीज़ों में अभी पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यू कैन स्टार्ट द बिजनेस इन जस्ट बाय फॉर्मिंग अ प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। अगर आप सिंगल बंदे हैं तो आप प्रोप्राइटरशिप कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि आपके एक दो दोस्त मिलके, 3-4 दोस्त मिलके काम करना चाह रहे हैं, तो बेसिकली यू कैन स्टार्ट अ पार्टनरशिप फर्म। सो प्रोप्राइटरशिप फर्म एंड पार्टनरशिप फर्म, इसमें खर्चा बहुत 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 कम होता है। आप अपने CA से बात करेंगे, वो आपका 500 रुपये में आपको GST सर्टिफिकेट और आपको वो सब चीज़ें ला के बिल्कुल आपके हाथ में पकड़ा देगा आपको। तो वही बेसिकली कह रहा हूँ कि
बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको अभी लाखों इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है ही नहीं है। प्रोप्राइटरशिप से स्टार्ट कर लीजिए, 500 रुपये में प्रोप्राइटरशिप फर्म स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको एक ऑफिस एड्रेस लेना है तो आप जाके, जैसा मैं कह रहा था कि अब आप मान लीजिए रेंट पे रहते हैं, आपका अपना ठिकाना फिक्स नहीं है, और आप जाके किसी कोवर्किंग स्पेस से बात कर लीजिए, उनके पास बहुत सारे पैकेजेस होते हैं जहाँ पे वो आपको एक वर्चुअल ऑफिस एड्रेस भी दे देंगे, आपको वहाँ पे बैठने की ज़रूरत भी नहीं है। और आजकल तो ऑफिस स्टार्ट करना इतना सस्ता हो गया, आपको 5-6 हज़ार रुपये में आपको एक बंदे की सीट, अगर आप खुद ही स्टार्ट कर रहे हो, इंडिविजुअल आप अभी सोल प्रोप्राइटर हो और धीरे धीरे करके आप बिजनेस बिल्ड करोगे, आप अपनी सीट के लिए 5-6 हज़ार रुपये में आप अपनी एक सीट ले सकते हो किसी कोवर्किंग स्पेस में। उससे ज़्यादा खर्चे की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोवर्किंग स्पेस इसलिए बोलता हूँ क्योंकि एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। उसमें जाके आपने एसी नहीं लगवाना, टॉयलेट्स मेंटेन नहीं करने, कुछ नहीं करने, बस आपने जाके सीट लगी हुई है, इंटरनेट लगा हुआ है, एसी चल रहा है, कंफर्टेबल सीट्स हैं, कैफेटेरिया जहाँ कॉफ़ी भी मिल रही है, पीने का पानी भी है, वॉशरूम्स भी हैं, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। बस आपने अपना लैपटॉप लेके जाना है, वहाँ जाके बैठना और काम स्टार्ट करना है। तो 5-6 हज़ार रुपये में आपको सीट मिल जाती है। बट चलिए मान लीजिए आप इतना भी स्टार्ट नहीं करना चाहते अभी, आप जाके अपना एक ईयरली पैकेज ले लीजिए। आजकल एक नया कंसेप्ट चला हुआ है वर्चुअल ऑफिस का, तो आप 15 हज़ार रुपये पूरे साल की फ़ीस देके आप अपने एक ऑफिस एड्रेस फिक्स करा सकते हो कि भैया ये मेरा ऑफिस एड्रेस है। और मान लीजिए कोई, वैसे तो आजकल ऑनलाइन बिजनेस है तो कोई भी आपको फिजिकल ऐसे डॉक्यूमेंट भेजता ही नहीं है, बहुत रेयर होता है, तो आपने जो जाके एड्रेस अपना दे देना, वहाँ पे अगर डॉक्यूमेंट्स आएंगे तो वहाँ पे आ जाएंगे, जो आपको मिल जाएंगे। तो बेसिकली बिजनेस स्टार्ट करना शुरू में ही इतने कॉम्प्लिकेशंस में ज़रूरत नहीं है। पहला जो फोकस रहना चाहिए, सी दो चीज़ें, एक तो बिजनेस है जो आप एक्चुअल काम करते हैं, दूसरा है ये सब चीज़ें तामझाम, ये सब गवर्नमेंट झोलझाल जो भी है। सो आपका माइंड जो है ये कंपनी गवर्नमेंट के झोलझाल में और तामझाम में नहीं फंसना चाहिए। आपका जो दिमाग है, आपका जो टाइम है, सी टाइम उतना ही है, लिमिटेड ही है ना, आप दिन में 12 घंटे 14 घंटे, मैंने देखा चलो अपना बिजनेस आप 16 घंटे काम कर लोगे, फिर उसके बाद जाके खाना भी खाना, नहाना धोना, कपड़ा चेंज करना है, सोना है, 50 काम और भी होते हैं, तो मतलब 15-16 घंटे कर भी लिया आपने काम, तो आप ये काम जो टाइम 15-16 घंटे लगा रहे हो उतने ही लिमिटेड आवर्स लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा लगा नहीं सकते। तो आप क्या करोगे, तो आप करोगे कि अपना जो माइंड का फोकस है अपने बिजनेस में लगाइए, इन सब चीज़ों में मत लगाइए। बाकी जो और चीज़ें डिटेल्स हैं छोटी मोटी, मैं आने वाले और वीडियोस में शेयर कर दूंगा। इनवॉइस कैसे बनाना है, क्लाइंट्स से कैसे मिलना है, क्लाइंट्स को कैसे अप्रोच करना है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो बेसिकली जो बिज़नेस है ना, इट्स अबाउट, ठीक है जो चीज़ आपको आती है वो एक तो है, लेकिन आपके साथ उसके साथ बहुत सारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट रिलेटेड चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको, अपने अंदर एक पर्सनैलिटी चेंज करनी पड़ेगी टू शोकेस योर सेल्फ एज अ बिजनेस मैन, ठीक है, या बिजनेस वूमन। तो आई थिंक काफ़ी लंबा हो गया, सोच रहा था छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, तो आज कोशिश करता हूँ इतना ही करते हैं, और आने वाले वीडियोस में लेट्स डू वन थिंग, छोटे छोटे और वीडियोस एक सीरीज़ बनाते हैं, उन वीडियोस में और इन्फॉर्मेशन ऐड करता जाऊँगा कि फॉर एग्जांपल क्लाइंट्स को कैसे अप्रोच करें, इनवॉइसिंग कैसे होती है, थोड़ा बहुत GST का भी बता दूंगा, बाकी बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत नहीं होती, आपने बस बेसिक काम करने और ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको दूसरे बंदे रख लेने, वो भी फुल टाइम नहीं रखने, वो बस उतना पैसे देना जितना काम करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं जो मेरा CA है, जो मेरी फाइलिंग करता है, जो मेरी GST की फाइलिंग करता है, मैंने उससे साल भर का पैकेज लिया, वो साल भर का मुझसे डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस कितने मैं इन्वॉइसेस जनरेट कर रहा हूँ, हर साल मुझे कहता है सर इस साल मुझे 30,000 दे दो, इस साल मुझे 50,000 दे दो, इस साल मुझे 1,00,000 दे दो, डिपेंडिंग ऑन मैंने कितना बिजनेस किया, अकॉर्डिंगली एक हमारी डील है कि इतने नंबर ऑफ इन्वॉइसेस रेज होंगे, इतने GST फाइलिंग होगी, तो आप इतना एक हमने अग्रीमेंट बनाया हुआ है, तो वो फिक्स नहीं है। तो अगर बिजनेस कम है, अगर आपका बहुत छोटा बिजनेस स्टार्टिंग में, आपको CA को कुछ भी नहीं देना है, अपने इनवॉइसेस आप दोगे उसको, GST फाइलिंग करोगे, अगर 1-2 GST 500-600 हज़ार रुपये में आपका काम कर देगा बंदा, पर मंथ 1,000 रुपये पर मंथ में आपको CA आपकी हेल्प कर देगा, तो बहुत एक्सपेंसिव नहीं है बिजनेस स्टार्ट करना। मेन फोकस है आपका जो कोर, आपका जो दिमाग रहता है, दिमाग रहना चाहिए वो आपके बिजनेस बनाने में होना चाहिए, बिजनेस को बिल्ड करने में होना चाहिए। ये सब जो निटी-ग्रिटीज है ना बिजनेस के अलावा, जो ताम झाम वाले काम है, इसमें कम से कम टाइम लगाना है, ठीक है। तो आई थिंक 20 मिनट का लगभग हो गया वीडियो, आज के लिए इतना ही करते हैं। नाम मेरा योगेश शर्मा है, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आगे भी चाहते हैं कि मेरे और वीडियोज़ आपको मिलते रहे, तो सब्सक्राइब कर दीजिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे गाइस, एंड बाय बाय, टेक केयर.